हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब की इस डिलाइट एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है गिरीश कुमार भाटी और हमने हीरोज फर्म की सीरीज़ कंडक्ट किया था। इसमें ये वीडियो नंबर 4 है, ये पार्ट 4 है और इसमें पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के अंदर हीरोज फॉर्मूला के काफ़ी क्वेश्चन हमने कवर किए थे। तो आज भी इस वीडियो के अंदर हम हीरोज फॉर्मूला का एक कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन कवर करेंगे। और तो देखते रहिए इस वीडियो के साथ, लास्ट एंड तक बने रहिए, आपको इसका पूरा आंसर मिलेगा। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन होने वाला है और ये कभी कभी आपको SA2 या SA1 या FA's के अंदर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलता है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर करीबन 3-4 मेथड ऐसी हैं जो 3-4 बातों का आपको रिवाइज़ या रिविज़न करा देता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर इन पार्क द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटर ABCD हैज राइट एंगल एट 90, AB इज इक्वल टू 9 मीटर, BC इज इक्वल टू 12 मीटर, CD इज इक्वल टू 5 मीटर एंड AD इज इक्वल टू 8 मीटर। फाइंड द एरिया, आपको यहाँ पे एरिया फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास वैल्यूज हैं, मैंने एक डायग्राम बना के वो सारी वैल्यूज को रख दिया है। राइट एंगल बन रहा था पॉइंट सी के ऊपर, वर्टेक्स सी के ऊपर, तो मैंने पॉइंट सी के ऊपर राइट एंगल का साइन ही लगाया है। तो जब भी आपको मालूम है कि राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। और वैसे भी राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 b × h होता है। तो यहाँ पे एक काम करेंगे हम, पहले अगर मुझे पूरा क्वाड्रिलेटर का एरिया फाइंड करना है, सपोज मुझे यहाँ पे क्वाड्रिलेटर AB C और D का एरिया फाइंड करना है, तो मैं क्या करूँगा कि डायरेक्ट तो हम नहीं कर सकते, और वैसे भी ये चैप्टर है हीरोज फार्मूला, और हीरोज फार्मूला के अंदर हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करते हैं। तो हम क्या करेंगे कि इस क्वाड्रिलेटर का एरिया फाइंड करने से पहले इस क्वाड्रिलेटर को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो ये रहा मेरा पार्ट 1 और ये है रहा पार्ट 2। अब मैं सिर्फ पार्ट 1 की ही बात कर रहा हूँ यहाँ पे, कि मैं पार्ट 1 का एरिया कैसे निकालूंगा। पहले हम पार्ट 1 का एरिया निकाल लेते हैं, उसके बाद पार्ट 2 का एरिया निकाल लेंगे, फाइनली दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो अगर हम बात करें एरिया ऑफ पार्ट 1, तो पार्ट 1 कुछ इस तरीके से है। यहां पे 5 सेंटीमीटर है, 5 मीटर है और यहां पे 12 मीटर है और यहां पे 90 एंगल दिया हुआ है। तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 × b × h। 1/2, बेस था हमारा 5 और हाइट थी 12। 5 × 6 = 30 m². मतलब पार्ट 1 का एरिया कितना आया हमारे पास, 30 m² आ गया। अभी हम पार्ट 2 का एरिया फाइंड करेंगे। तो पार्ट 2 के लिए हम क्या करेंगे, मैं लिख लेता हूं यहां पे पार्ट 2 के लिए एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे। देखो पार्ट 2 के अंदर मैं यहां पे ड्रॉ कर लेता हूं ताकि आपको थोड़ा इजीली समझ में आ जाए। यहां पे हमारे पास 8 मीटर है, यहां पे 9 मीटर है, बट ये वाली जो साइड है, यहां पे AB और D, देखो यहां पे BD वाली जो साइड है वो आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ नहीं था। क्वेश्चन के अंदर जो BD वाली साइड थी उसका कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है। तो और यहां पे ना तो पेरीमीटर दिया हुआ है, जैसे हमने पार्ट 3 में डिस्कस किया था कि अगर आपके पास पेरीमीटर होता है तो भी आप थर्ड साइड को ढूंढ सकते हो, बट इसमें तो पेरीमीटर भी नहीं दिया हुआ है। तो फिर हमें कुछ और आइडियाज लगाना पड़ेगा ताकि हम थर्ड साइड को फाइंड कर सकें। यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी हिंट दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे मैंने पार्ट 1 का एरिया फाइंड किया था, तो उसमें ये पॉइंट मेरा B था, ये पॉइंट C था और ये पॉइंट D था।
तो देखो यहाँ पे जो बीडी है वही यहाँ पे बीडी है, इट मीन्स अगर मैं इन दोनों की हेल्प से ये वाली साइड फाइंड कर दूं तो मुझे इस वाली साइड का हेल्प मुझे यहाँ पे मिल सकता है। और वैसे भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, ट्राइंगल बी सी डी के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमें बी डी की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। तो मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा लेता हूँ फॉर बी डी के लिए, ठीक है, फॉर बी डी पाइथागोरस थ्योरम लगेगी तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ सम ऑफ टू अदर साइड्स, यहां पे बी सी हो जाएगा बी सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी कितना है 12 स्क्वायर प्लस डी सी कितना है 5 स्क्वायर। अब बी डी स्क्वायर की मैं बात करूं तो 12 का स्क्वायर होता है 144 और 5 का स्क्वायर होता है 25, बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू 169 विच इज इक्वल टू 13, क्योंकि आप 169 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो आंसर कितना मिलेगा आपको 30 मीटर मिलेगा, तो ये कितना हो जाएगा 30 मीटर। तो सेम यहां पे भी हम क्या यूज कर सकते हैं, 30 मीटर यूज कर सकते हैं, करेक्ट। तो अभी पार्ट टू के अंदर यहां पे जो पार्ट टू है उसमें हमें आपको साइड ए मिल गई, साइड बी मिल गई और साइड सी मिल गई। तो यहां पे हमें ए इज इक्वल टू 8 मीटर, बी इज इक्वल टू 9 मीटर और सी इज इक्वल टू 30 मीटर मिल गया। स्टेप वन करेंगे हम पेरीमीटर फाइंड कर लेते हैं पहले, पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड, ये हमारा करीबन 8 प्लस 9 प्लस 13, 9 प्लस 8 कितना होता है 17 प्लस 13 इज इक्वल टू 30 मीटर, तो हमें पेरीमीटर मिल गया 30 मीटर। अभी हम सेकंड क्या करेंगे, हम इसका सेकंड स्टेप सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। तो सेमी पेरीमीटर एस इज इक्वल टू पी बाय टू विच इज इक्वल टू 30 बाय 2, यहां पे क्या हो जाएगा 15 मीटर हो जाएगा। तो अभी हम क्या फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ पार्ट टू ट्राइंगल। तो क्या था इसका फॉर्मूला, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये एरिया के बराबर हो जाएगा। एरिया इज इक्वल टू हमारा सेमी पेरीमीटर एस इज इक्वल टू कितना आया था 15 माइनस 15 माइनस 15 माइनस। अब हमारे पास साइड ए क्या थी, ए की वैल्यू थी बी की वैल्यू और सी की वैल्यू, ए की वैल्यू हमारे पास 8 थी, बी की वैल्यू 9 और सी की वैल्यू 12 थी। कंफर्म कर लेते हैं एक बार, यहां पे देखिए ए की वैल्यू 8 थी, बी की वैल्यू 9 और सी की वैल्यू कितनी थी 13 थी, मैंने एक वैल्यू गलत लिख दी यहां पे, तो सी की वैल्यू कितनी थी 13 थी। तो यहां पे एरिया ए इज इक्वल टू 15 15 माइनस 8 15 माइनस 9 15 माइनस 13, एरिया ए इज इक्वल टू 15 7 6, यहां पे 2 बचेगा,
एरिया इज इक्वल टू 15 इंटू 7 इंटू, मैं इसको स्प्लिट कर रहा हूँ, 3 टू जा इंटू 2। एरिया ए इज इक्वल टू 15 को मैं स्प्लिट कर रहा हूँ 5 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। देखो यहाँ पे 3 का ग्रुप बन रहा है तो एक 3 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे 2 का ग्रुप बन रहा है इसलिए 2 भी बाहर आ गया। कौन बचेंगे से अंदर, रूट में सिर्फ 35 बच रहा है। एरिया ए इज इक्वल टू 6 रूट 35। अभी एरिया ऑफ टोटल क्वाड्रिलेटर या एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर इज इक्वल टू पार्ट 1 प्लस पार्ट 2। तो पार्ट 1 का एरिया कितना आया था, देखो पार्ट 1 का एरिया कितना आया था, 30 मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 30 मीटर स्क्वायर प्लस 6 रूट 35 मीटर स्क्वायर। आप चाहो तो इसको आगे सॉल्व कर सकते हो, बट यहाँ तक ही करेंगे तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। मैं आपको पूरा सम दिखा देता हूँ इसके अंदर। तो इस तरीके से आप हिरन्स फॉर्मूला के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, बट आप चाहो तो बाय यूजिंग कंसेप्ट आप इनको तुरंत सॉल्व कर सकते हो। हम पार्ट 5 में मिलेंगे जिसमें आपको एक और भी बड़ा क्वेश्चन करवाएंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए इस वीडियो के साथ बने रहिए, थैंक यू सो मच, और इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।